Hello students, so today we are going to discuss about synonym. So synonym is, bachche kya hote hain synonym? Who is going to give me the answer of this? Raise your hand. What are the synonyms? Okay, Pankaj, answer please. Synonyms are the words that give the same meaning. Very good. Synonyms are the words which have the same meaning. Well done. So you know that. Synonym kya hote hai? Similar meaning words ko synonym bolte hai. A synonym is a word that have the same or nearly the same meaning as another word. Ek word ke saath ka dusra word, yani ki do ka same meaning hona. Theek hai? उनको हम क्या बोलते हैं सिनोनियम. एंड व्हेन वर्ड्स और फ्रेज हैव द सेम मीनिंग, जब वर्ड और फ्रेज का क्या होता है बच्चे, सेम मीनिंग होता है, तब हम उनको हम क्या बोलते हैं, सेम मीनिंग वालों को साइनोनिमस. क्या बोलेंगे हम उनको? साइनोनिमस बोलेंगे, ऑफ कोर्स. ठीक है, क्लियर है बच्चे? So they are the synonymous for each other. Okay. Next is ki the term synonyms come from the combination of the Greek language syn plus onym. As you know that antonym kya hai? Do word ke combination se bana hai. Same as synonym bhi kya hai? Do word ke combination se bana hai. Where syn plus onym. Syn means with, onym means name. यानी कि एक वर्ड के साथ वाले नाम का ही एक और वर्ड, सेम मीनिंग वर्ड को हम साइनोनियम बोलते हैं. और जो वर्ड दो सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइनोनिमस बोलते हैं. राइट, क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट इज देखिए साइनोनियम क्या होते हैं. नेक्स्ट, for example, simply we can learn that synonym, words that have same meaning are called synonym. ठीक है, for example intelligent, if I said कि the boy is intelligent, और अगर मैंने कहा कि this boy is bright, तो उन दोनों का मतलब क्या है? Same. So synonym and bright are the synonymous for each other. Right. Next is plentiful. Plentiful and abundant. Right. दोनों का मतलब क्या है? एक जैसा ही. Plentiful माने भी अधिकता, abundant माने भी अधिकता, तो दोनों का मतलब क्या है? Lot of. So they are the synonyms for each other. Right. Okay. Next, there are some example of synonym like word bad. अब ये नहीं कि जैसे कि हमने एंटोनियम की बात की थी, एक वर्ड के एक से ज्यादा भी सिनोनियम हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल बैड, अब आपने बैड का वर्स्ट याद कर लिया या ऑफुल याद कर लिया, जरूरी नहीं है एग्जाम में ये भी आए. ओके, टेरिबल भी तो आ सकता है, हॉरिबल भी तो आ सकता है. सो ऑफ कोर्स बैड एज अ सिनोनियम लाइक ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल, देन गुड, फाइन, अच्छा है, एक्सीलेंट भी अच्छा है, ग्रेट भी अच्छा, तीनों का मतलब अलग है, बट दे आर यूज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. गुड होता है नॉर्मली, फाइन माने भी अच्छा, एक्सीलेंट माने बहुत अच्छा, ग्रेट माने बहुत बहुत अच्छा. सो वी यूज दिस वर्ड क्लियरली अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर टॉकिंग टू. करेक्ट. नेक्स्ट इज हॉट. हॉट का क्या होता है? इट्स बर्निंग. ठीक है, इसका मतलब भी गर्म होता है. ओके, वार्म, ओके भी है, फेयरी, ओके, बॉइलिंग ये भी हो सकता है. नेक्स्ट कूल, चिल, कोल्ड, कोल्ड का क्या होता है? कूल भी हो सकता है, चिले भी हो सकता है, फ्रीजिंग भी हो सकता है, फ्रॉस्टी भी हो सकता है. सो वन वर्ड हैज मोर देन वन सिनोनिम. इट्स क्लियरली डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर टॉकिंग. बच्चे ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड भी आ जाए, कभी कभी हमें क्या है, नियर अबाउट भी वर्ड आ जाते हैं.
क्या है, नियर अबाउट वर्ड्स भी आ जाते हैं. सो ठीक है, हमें नियर अबाउट वर्ड्स को भी क्या है, फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बैड, ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल, एक ऑप्शन क्या है, हमें नियर अबाउट बैड का आएगा. तो सिनोनिम फाइंड करने के लिए ऑफकोर्स हमें क्या है, इन ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. नाउ यू हैव टू मैच दिस फ्रॉम दिस. ठीक है, तो ओके, सो अक्षु, यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ह्यूज. ह्यूज का सिनोनिम, यस, ह्यूज का हो गया बिग. यस वैष्णवी, हॉट का क्या होगा? मैम वार्म. वेरी गुड, वार्म. ओके राधिका, वेट का? यस मैम. वेट का क्या होगा? मैम सोगी. वेल डन. ओके तुषार, सिक का क्या होगा? हम इल. वेल डन. सो ह्यूज, बिग, हॉट, warm and but soggy and sickle are the synonymous for each other, right? Then next is Kshitij, answer me please. Raise your hand where you are. Okay, Kshitij, what is the synonym of small? Mom, little. Very good, little. Okay. Then, पंकज से पूछ लिया था, वेट. संकल्प पठानिया, प्लीज आंसर मी सिनोनिम ऑफ फिनिश. मैम डन. वेरी गुड, डन. ओके माइक साथ साथ बंद करते जाइए प्लीज. ओके अखिल शुक्ला, प्लीज सिनोनिम ऑफ बिगन. मैम स्टार्ट. वेल डन, स्टार्ट. Good. Next, Vedant Solanki. Smart. Smart का synonym बताइए. Yes, ma'am. Smart का synonym बताइए. Ma'am, brilliant. Brilliant नहीं, brilliant. Brilliant. Okay. Next, Mandeep Singh. मनदीप सिंह. यस मैम. हाँ जी, रॉक का सिनोनियम बताइए बेटा. मैम स्टोन. स्टोन, वेरी गुड. रॉक का सिनोनियम है स्टोन. ओके आर्यन शर्मा, सीट का सिनोनियम बताइए. आर्यन शर्मा, आर यू देयर? सीट का सिनोनिम बताइए प्लीज. मैम सीट का, मैम चेयर. यस, सीट रिलेटेड टू चेयर, सो वी कैन से दैट कि दे आर द सिनोनिमस. ओके मोहम्मद साहिल, प्लीज टेल मी द सिनोनिम ऑफ टाइनी. मोहम्मद साहिल, आर यू देयर? No, I think they are not there. Okay, Smart Thakur, synonym of tiny. Ma'am, tiny equals to little. No, ma'am. So small. ऐसे थोड़ी मैच होगा, ये तो ऑफ कोर्स ऐसे मैच होगा. सो स्मॉल का भी लिटिल है, टाइनी का भी लिटिल है, तो हैंस प्रूफ कि वन वर्ड हैव मोर देन वन एंटोनियम. करेक्ट, नाउ एंटोनियम इज सिनोनियम. क्लियर है बच्चे? दिस इज अबाउट सिनोनियम. इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड. इफ इट इज क्लियर टू यू देन प्लीज शो मी थम्स साइन. ओके लाइक अब्रॉड, वर्ड अब्रॉड, अब्रॉड का क्या होता है बच्चे सिनोनियम? ओवरसीज. ओके वी कैन से फॉरन ऑल्सो, फॉरन भी हम कह सकते हैं. अब्रॉड का क्या हो गया? ओवरसीज एंड फॉरन.
ओके हाँ एडमिट एडमिट का क्या होगा कन्फेस ठीक है सो कन्फेस करना और एडमिट करना बोथ आर द सिमिलर वर्ड सो वी कैन से दैट एडमिट एंड कन्फेस आर द सिनोनिम्स फॉर ईच अदर करेक्ट ओके एग्री एंड कंसेंट एग्री माने सहमत होना कंसेंट माने भी क्या होता है सहमत होना ठीक है दोनों का क्या है एक दूसरे का सिमिलर मीनिंग है सो दे आर द सिनोनिम्स बच्चा हाउ कैन वी लर्न दीज वर्ड्स ठीक है वी कैन लर्न दीज वर्ड्स बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स सो ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू आर गोइंग टू लर्न दिस वर्ड ना सो स्टार्ट राइटिंग द मीनिंग हियर ओके जो भी आपको जैसे आपने अब्रॉड याद करना आपको नहीं पता अब्रॉड पहले आप तब तक नहीं याद कर सकते जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता सो बेसिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड हम तब तक किसी भी इंग्लिश के वर्ड को नहीं याद कर सकते जब तक उसका मीनिंग ना लिखे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अब्रॉड है अब्रॉड का मीनिंग लिखिए देन ओवरसीज का लिखिए ओके एडमिट का लिखिए एंड कन्फेस का लिखिए और जब ये लिख रहे हैं तो एक एक वर्ड से हमारा काम नहीं बनेगा आप याद रखें बीच में एक वर्ड और लिखिए इनका सिनोनिम लाइक एडमिट एंड कन्फेस एक और अब्रॉड ओवरसीज मैंने फॉरेन बताया तो आप यहाँ पे फॉरेन लिख सकते हैं ठीक है सो इस तरीके से आप क्या है करेंगे लर्न वर्ड्स को दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सिनोनिम प्रिपरेशन फॉर सिनोनिम कोई ट्रिक नहीं होती है बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं मैडम इज देयर एनी ट्रिक फॉर लर्निंग सिनोनिम नो बच्चे देयर इज नो ट्रिक फॉर लर्निंग सिनोनिम फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है क्लियर है बच्चे देयर इज नो ओके नेक्स्ट इज लाइक अलाउ अलाउ माने क्या है परमिशन देना ठीक है एंड परमिट ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का नियरली ठीक है अमाउंट अमाउंट का क्वांटिटी सो दीज आर द सिनोनिम्स एंग्री एंग्री का क्या होगा सिनोनिम मैड गुस्से से पर्सन पागल होता ना तो एंग्री का क्या हो गया मैड ओके एनॉय इरिटेट ठीक है एनॉय का इरिटेट करना ओके आंसर रिप्लाई सो आंसर का सिनोनिम क्या होगा रिप्लाई अपीयर सीन ठीक है अराइव रीच अराइव माने पहुंचना रीच माने भी पहुंचना बच्चे आप तब तक कोई वर्ड नहीं याद कर सकते जब तक आपको उनका मीनिंग नहीं पता है सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द मीनिंग इफ यू डोंट नो द मीनिंग आप चाहे आप 20 दिन लगा देना हफ्ता लगा देना महीना लगा देना अब वर्ड को रट्टे लगाते हुए अवे एबसेंट अवे एबसेंट अवे एबसेंट अवे एबसेंट और विद इन अ फ्यू डेज जब आप याद एग्जाम डेज में होंगे ना आप सोचे अवे क्या होता है अवे का एबसेंट नहीं क्यों होता है क्यों क्योंकि वी नो नेवर नो द मीनिंग ना है ना जैसे आप लोगों को पता है मतलब गो गो माने जाना तो आपको मीनिंग पता है तो आपको ये वर्ड भी याद है बच्चे ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलता है अगर आपको कोई वर्ड समझ आया कोई चीज समझ आई वो तो आपको याद रहेगी जो समझ नहीं आई वो नहीं याद रहेगी सो याद समझने का तरीका क्या है इनके मीनिंग लिखो यूज गूगल और आई वुड लाइक टू प्रेफर यूज डिक्शनरी क्यों गूगल से आप एक ही वर्ड सर्च करेंगे उसी का मीनिंग मिलेगा डिक्शनरी आप ओपन करेंगे कम से कम एक बार ओपन करने से आपको 10 वर्ड नहीं मिल जाएंगे राइट सो ऑफकोर्स डिक्शनरी यूज करें अगर आपके पास है सो प्रेफरेबली कि आप डिक्शनरी यूज करें तो ओके अश्योर अश्योर माने किसी चीज की गारंटी देना उसको ठीक है तो गारंटी अपने आप में इसका सिनोनिम बन गया अवे अवे माने दूर और एबसेंट माने भी दूर ठीक है ऑफुल ऑफुल माने बुरा टेरिबल माने भी बुरा अब इसका बैड आप लिख सकते हो ठीक है यू कैन राइट बैड हेयर ठीक है ओके बेबी बेबी का क्या होगा इन्फेंट बैकबोन बैकबोन का क्या हो जाएगा स्पाइन ठीक है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का क्या होगा प्रिटी बिगिन बिगिन माने शुरू करना तो स्टार्ट बिहेव बिहेव का क्या हो जाएगा एक्ट बैले बैले का क्या होगा स्टमक ओके बिग बिग माने बड़ा लार्ज ऑफ कोर्स आप एक एक वर्ड और साथ में लिखेंगे याद रखना ये बार बार बोल रही हूँ मैं एम्प्टी एम्प्टी माने ब्लैंक ठीक है ओके एंड ब्रेव ब्रेव माने बोल्ड बोल्ड ठीक है ब्रॉड ब्रॉड माने बड़ा
इसका वाइट भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, राइट। ओके नेक्स्ट, बकेट, बकेट का पैर। और देख सकते हैं हम, हमारे पास बहुत से वर्ड्स है, लाइक कैंडी, कैंडी क्या है, स्वीट बोल सकते हैं हम, सेंटर मिडल बोल सकते हैं, चेंज ट्रांसफॉर्म इसका अल्टर भी बोल सकते हैं, चीफली मेनली इम्पोर्टेंटली भी बोल सकते हैं, चूजी पिकी चॉप कट करना। ओके क्लेवर इंटेलिजेंट, ठीक है। ओके क्लोज शट, कलेक्ट गैदर कंप्लीट टोटल। बच्चे मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बेसिक वर्कशीट है, ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जिनके आपको मीनिंग पता होने चाहिए, इनके मिनिमम एक एक वर्ड और आपने साथ में लिखने हैं, ठीक है। लाइक कंप्लीट टोटल, कंफाइंड रिजिस्ट, ठीक है, कंफ्लिक्ट क्लैश, ठीक है। आपने जो डिस्प्यूट वर्ड बोला था बच्चे, उसको कंफ्लिक्ट से किया जा सकता है रिलेट, डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट और क्लैश। ओके कंफ्यूज मिक्स्ड अप, ठीक है। मैम सेंटर का एक्सिस भी, मैम सेंटर का एक्सिस भी तो हो सकता है, एक्सिस नहीं है, एक्सिस कैसे मैम, वो भी टेक्निकल लैंग्वेज पे जा राइट। फेमस रेनाउंड फैंटास्टिक ग्रेट वास्ट क्विक फिनिश कंप्लीट डन भी लिख सकते हो। ओके फ्लोट ड्रिफ्ट, ओके फूल इडियट फूलिश सिली फॉर्मली प्रीवियसली फॉर्चुनेट लकी। बच्चे आपने ये मीनिंग्स क्या है लर्न कर, मैम अर्थ को तो ग्लोबल भी बोलते हैं हम, अर्थ को ग्लोबल, ग्लोबल ओके तो ग्लोबल नहीं ग्लोब। ओके तो ये वर्ड्स आपको क्या है, वेट वेट वेट, ये वर्ड्स आपको क्या है लर्न करने हैं विद अ वन मोर वर्ड, ठीक है। दो आपको एक यहाँ से राइट और लेफ्ट में दिया हुआ है, सेंटर में एक एक वर्ड आपने और लिखना है, करेक्ट है। दिस इज द बेसिक वर्कशीट विच यू हैव टू फॉलो, करेक्ट। इज इट क्लियर? इफ यस देन प्लीज शो मी थम्स अप। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।